हाय फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। ये है एमआई का नया प्रोडक्ट। ये है एमआई बियर्ड ट्रिमर 1C। ये है सेकंड वर्शन ऑफ एमआई ट्रिमर्स का, बियर्ड्स के लिए है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम MI। चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। यह है एक USB 2 माइक्रो USB पोर्ट वाला केबल, और ये है एक बेहतरीन पाउच, और इसके साथ में दिया गया है ये ब्लेड क्लीन करने के लिए ब्रश, और ये जो है मेन प्रोडक्ट इसका MI बियर्ड ट्रिमर 1C। नॉर्मली इससे पहले वाले से साइज़ में थोड़ा छोटा है, क्वालिटी बेहतरीन दिया है, बढ़िया क्वालिटी है। चार्जिंग पोर्ट, इसको आप ये कोम को आप निकाल सकते हैं, और ये ब्लेड को भी आप डिटैच कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसको बैटरी का LED इंडिकेटर दिया गया है, MI की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पे। बियर ट्रिमर 1C यूज़र मैनुअल, इसमें डिटेल्स दिए गए हैं, LED इंडिकेटर, चार्जिंग केबल या पाउच, और ये वाटरप्रूफ नहीं है। नॉर्मल केयर और मेंटेनेंस के बारे में दिया गया है, कैसे करना है ये ट्रिमिंग। बियर्ड ट्रिमर ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है नए वाले से। इससे पहले वाला थोड़ा वज़न है, और ये जो पहले वाला जो है वो वाटरप्रूफ है, और नया वाला है वो वाटरप्रूफ नहीं है। इसके लिए आपको इसे अगर धोना है तो 1C को आपको ब्लेड निकाल कर ब्लेड को नल के नीचे धोना पड़ेगा। ओपन पुराना वाला जो है वो आप डायरेक्टली नल के नीचे धो सकते हैं रनिंग वाटर में। मैं इसे ऑलरेडी लॉकडाउन में बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ। थोड़ा इसमें ब्लेड में प्रॉब्लम आता है, मगर आपको सर्विस सेंटर में ये ब्लेड रिप्लेस करके मिल जाएगा। इसमें ये ऑन ऑफ बटन दिया गया है, और आपको साइज़ भी सेट कर सकते हैं 1 to 10 आपके बियर्ड के हिसाब से। ये अगर आप घुमाओगे तो ऊपर आएगा, और नीचे 1 नंबर नीचे करोगे तो नीचे आएगा। आपके ट्रिमिंग के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं आप। नीचे इसकी ब्रांडिंग दी गई है। सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड दिया है इसको। जब आप ट्रिमिंग करते रहोगे नॉइज भी उतना ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली जो मार्केट में ट्रिमर मिलते हैं सेम नॉइज़ है। नॉर्मली तो ये तीन से चार घंटे में फुली चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज करने के बाद आपको 60 मिनट्स रन टाइम आएगा। जो पुराना वाला था वो 90 मिनट्स था। इसके साइज़ की वजह से इसका बैटरी कैपेसिटी कम है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।